दोस्तों, कैलाश पर्वत का नाम सुनते ही हमारे जहन में सबसे पहले महादेव का ख्याल आता है। 6638 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद कैलाश पर्वत को महादेव का निवास स्थान बताया गया है और ऐसा माना जाता है कि यह पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा पवित्र और रहस्यमय पर्वत है। आपको बता दें कि कैलाश पर्वत का ज्यादातर हिस्सा तिब्बत, नेपाल और भारत में फैला हुआ है। दुनिया की सबसे पवित्र नदियां सिंधु नदी, सतलुज और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां भी कैलाश पर्वत से होकर जाते हैं। कैलाश पर्वत के साथ साथ कई अलग अलग धार्मिक मान्यताएं भी जुड़ी हुई हैं और हिंदुओं का ऐसा मानना है कि भगवान शिव आज भी इस पर्वत पर निवास करते हैं। साथ ही साथ ये भी बताया जाता है कि ये पर्वत धरती का केंद्र है। दोस्तों, इन सब के अलावा भी कैलाश पर्वत से ऐसे अनेकों रहस्य जुड़े हुए हैं जिन्हें सुलझा पाना साइंस के भी बस की बात नहीं है। इस पर्वत के आसपास ऐसी कई घटनाएं और असाधारण गतिविधियां देखी गई हैं जिससे एक आम आदमी द्वारा समझ पाना तो नामुमकिन है। दोस्तों, हो सकता है कि आप भी कैलाश पर्वत के इन रहस्यों से वाकिफ ना हो, तो आइए कैलाश पर्वत के इन रहस्यों के बारे में जानते हैं। नंबर 1, कैलाश पर्वत पर न चढ़ पाने का रहस्य। दोस्तों, कैलाश पर्वत पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसा पर्वत है जिसकी चोटी पर आज तक कोई भी नहीं पहुंच पाया है। आपको बता दें कि समुद्र तल से कैलाश पर्वत की ऊंचाई लगभग 6638 मीटर है और इसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से काफी कम बताई जाती है। लेकिन ये बात जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि माउंट एवरेस्ट पे तो आज तक 7000 बार से भी ज्यादा बार चढ़ाई की जा चुकी है, लेकिन कैलाश पर्वत पर अभी तक कोई भी चढ़ाई नहीं कर पाया है। एक वैज्ञानिक ने अपने अनुमान से ये बताया कि कैलाश पर्वत अलग अलग समय पर अपनी स्थिति बदलता रहता है। कई बार अनेकों पर्वतारोहियों ने इस पर्वत पे चढ़ने की बहुत कोशिश की लेकिन नाकामयाब रहे, और जब उन पर्वतारोहियों से बातचीत की गई तो उन्होंने कुछ ऐसी बातें बताई जिन्हें जानकर आप हैरान हो जाएंगे। किसी ने कहा कि कैलाश पर्वत पर चढ़ते ही अचानक से मौसम बदलने लगा और तेजी से बारिश होने लगे, जिससे उनके लिए पर्वत पर चढ़ना नामुमकिन हो गया। तो किसी ने ये कहा कि हम सभी लोग एक सही दिशा में जा रहे थे और अचानक से पर्वत की दिशा बदल गए। इसीलिए तभी से लोगों का ऐसा मानना है कि कैलाश पर्वत पर एक ऐसी अलौकिक शक्ति मौजूद है जो किसी को भी इस पर्वत पर चढ़ने नहीं देती, क्योंकि ये पर्वत भगवान शिव का निवास स्थान है। आपको बता दें कि कैलाश पर्वत पर चढ़ने के लिए होने वाले खतरों की वजह से सरकार ने भी इस पर प्रतिबंध लगा दिया और अब इस पर्वत पर चढ़ने की परमिशन किसी को भी नहीं है। नंबर 2, तिब्बती बौद्ध योगी मिलारेपा का रहस्य। दोस्तों, एक प्रचलित कथा के अनुसार ये बताया जाता है कि तिब्बती बौद्ध योगी मिलारेपा ही एकमात्र ऐसे थे जो कि कैलाश पर्वत पर अपनी चढ़ाई पूरी कर पाए थे। कहा जाता है कि उन्होंने अपनी साधना पूरी करने की जिद में इस पर्वत की चोटी को पाया था, लेकिन अभी तक इसे केवल एक कहानी माना जा रहा है क्योंकि इस बात से जुड़ा हुआ कोई भी प्रमाण अभी तक सामने नहीं आया और न ही कभी मिलारेपा ने इस बारे में कुछ बताया। नंबर 3, तेजी से बढ़ता हुआ समय। दोस्तों, कैलाश पर्वत की सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि यहाँ का समय बहुत ही ज्यादा तेजी से बीतता है। कई पर्वतारोहियों ने ऐसा बताया है कि कैलाश पर्वत के चारों ओर समय बहुत ही तेजी से घूमता है और ऐसा पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं देखा गया है। यहाँ आने वाले लगभग सभी लोगों ने यह दावा किया कि उनके बाल और नाखून काफी तेजी से बढ़ रहे थे। बहुत से पर्वतारोहियों ने यह भी बताया कि चढ़ाई करते वक्त उन्हें ऐसा लगता है कि उनके बाल और नाखून 12 घंटे के भीतर ही काफी तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन प्राकृतिक वातावरण में बाल और नाखून बढ़ने के लिए तकरीबन 2 हफ्ते का टाइम लगता है। सिर्फ आम इंसान ही नहीं, वैज्ञानिकों ने भी ये महसूस किया है और इस बात की जांच करने पर यह पता चला कि हकीकत में यहाँ पर समय की गति काफी तेज होती है। हालांकि इसके पीछे की वजह क्या है ये तो आज तक कोई नहीं जान पाया। नंबर 4, शिव जी के डमरू और ओम की आवाज। दोस्तों, कैलाश पर्वत की एक मान्यता है कि इस पर्वत के चारों ओर एक आवाज गूंजती रहती है। जैसे ही आप इस पर्वतीय क्षेत्र में आएंगे तो आपको एक आवाज सुनाई देगी। लोगों का कहना है कि ये आवाज कुछ और नहीं बल्कि भगवान शिव के डमरू की और ओम की आवाज है, लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि कैलाश पर्वत पर बर्फ के पिघलने और टूटने से ये आवाजें सुनाई देती हैं। पर वैज्ञानिक भी इसका पूरा पता नहीं लगा पाए कि आखिर ये आवाज है किसके। लेकिन यहाँ पर गए हुए पर्वतारोहियों का यही कहना है कि अगर इस आवाज को गौर से सुना जाए तो सचमुच आपको डमरू के और ओम की आवाज सुनाई देगी। अब आप इसे इत्तेफाक समझें या फिर भगवान शिव की महिमा, ये आपकी मर्जी है। नंबर 5, पिरामिड से जुड़ा कैलाश पर्वत का रहस्य। दोस्तों, कैलाश पर्वत का सबसे बड़ा रहस्य इसकी बनावट है। रूस के वैज्ञानिकों ने बताया कि ये कोई पहाड़ नहीं बल्कि एक मानव निर्मित पिरामिड है, और उनका कहना है कि कैलाश पर्वत दुनिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित पिरामिड हो सकता है, जो कि टोटल 100 छोटे पिरामिडों का केंद्र है, और गीजा का पिरामिड भी यहीं से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा कैलाश पर्वत के अंदर एक रहस्यमय दुनिया होने का दावा भी किया गया है। कहा जाता है कि यहाँ प्राचीन सभ्यता के लोग रहते हैं जो कि पूरे पर्वत पर अपना नियंत्रण रखते हैं और यहाँ किसी को भी नहीं आने देते। यहाँ तक कि कई लोगों ने यहाँ पर यति यानी हिम मानव के पाए जाने का भी दावा किया है, जिसका मतलब यहाँ कोई तो जरूर है, और ये सारी बातें इस पर्वत को और भी ज्यादा रहस्यमय बनाते हैं। नंबर 6, यहाँ कंपस काम नहीं करता। दोस्तों, बताया जाता है कि कैलाश पर्वत का आकार कंपस के 4 बिंदुओं की तरह है,
यानी पर्वत की चारों दिशाएं कंपस की चारों दिशाओं की ओर है। लेकिन सोचने वाली बात तो यह है कि इसका आकार कंपस की तरह तो है, लेकिन यहाँ पहुंचने पर कोई भी कंपस काम क्यों नहीं करता। दरअसल वैज्ञानिकों द्वारा बताया जाता है कि यहाँ एक्सिस मुंडी नाम का केंद्र है। एक्सिस मुंडी का मतलब होता है कि दुनिया के आकाशीय ध्रुव और भौगोलिक ध्रुव का केंद्र। यह आकाश और पृथ्वी के बीच का एक ऐसा बिंदु है जहाँ 10 दिशाएं आपस में मिलती हैं और दोनों ध्रुवों के तरंगों का मिलन होता है। ऐसे में यहाँ कंपस भी काम नहीं करता। इसके अलावा कुछ वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि वो जगह है जहाँ अलौकिक शक्तियां मौजूद हैं और हम चाहें तो उन शक्तियों से संपर्क भी कर सकते हैं। नंबर 7, कैलाश पर्वत की झीलों का रहस्यमय आकार। दोस्तों, कैलाश पर्वत पर दो झीलें मौजूद हैं जिनमें से पहली का नाम मानसरोवर है। आपको बता दें कि ये दुनिया में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर मौजूद मीठे पानी की सबसे बड़ी झीलों में से एक है। ये झील लगभग 410 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैले हुए है और इस झील का आकार बिल्कुल सूर्य के जैसा है। मानसरोवर झील अपनी सुंदरता और नीले रंग के पानी के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। वहीं दूसरी है राक्षसताल झील। इसके बारे में कहा जाता है कि राक्षसताल दुनिया में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर मौजूद खारे पानी की सबसे बड़ी झीलों में से एक है और ये झील 225 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैले हुए है। आपको बता दें कि इस झील का आकार अर्धचंद्राकार है। बताया जाता है कि झील के पास बैठकर रावण ने भगवान शिव की घोर तपस्या की थी, तभी से इस झील का नाम राक्षसताल पड़ गया। दोस्तों, दोनों झीलों के इतने आसपास होने के बावजूद भी इनके पानी में इतना ज्यादा अंतर है कि आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। ये दोनों ही झीलें सूर्य और चंद्रमा की शक्तियों को जाहिर करते हैं और इनका संबंध सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा से भी है। मतलब कि मानसरोवर झील सकारात्मक और राक्षसताल झील नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है और कैलाश पर्वत इन दोनों के बीच मौजूद है, जिससे यहाँ का संतुलन एक जैसा बना रहता है। लेकिन दोस्तों, हैरानी की बात तो यह है कि इन झीलों का आकार इतना ज्यादा अनोखा कैसे है। इन्हें देखने के बाद कोई भी ये नहीं समझ पाता कि इनका आकार प्राकृतिक रूप से ऐसा ही था या फिर ये इस आकार में निर्मित किए गए थे। इसलिए इन झीलों का आकार लोगों के लिए आज भी एक रहस्य बना हुआ है। नंबर 8, स्वास्तिक और ओम का रहस्य। दोस्तों, दक्षिण दिशा से देखने पर कैलाश पर्वत स्वास्तिक के जैसा दिखाई देता है और ऐसा तभी होता है जब सूर्य अस्त हो रहा हो। कहा जाता है कि सूर्यास्त के दौरान सूर्य स्वास्तिक की तरह दिखने वाली छाया पर्वत पर डालता है और देखने पर ऐसा लगता है कि पर्वत पर स्वास्तिक लिखा गया हो। और आपको पता ही होगा कि स्वास्तिक एक धार्मिक चिन्ह है जिसे हिंदुओं द्वारा काफी शुभ माना जाता है। साथ ही साथ पर्वत की चोटी पर जमी हुई बर्फ जब चोटी से गिरती है तो वो ओम का आकार ले लेती है, जिसे देखने पर ऐसा लगता है कि पर्वत पर ओम लिखा हुआ हो। नंबर 9, पृथ्वी का केंद्र। दोस्तों, कई सारे वैज्ञानिकों की जांच के बाद हमें ये पता चला कि कैलाश पर्वत धरती का केंद्र है। पृथ्वी के एक तरफ उत्तरी ध्रुव और दूसरी तरफ दक्षिणी ध्रुव है और दोनों के बीच में हिमालय मौजूद है और हिमालय का केंद्र कैलाश पर्वत है। इस तरह वैज्ञानिकों के अनुसार ये पर्वत पृथ्वी का केंद्र माना जाता है। नंबर 10, पृथ्वी और स्वर्ग के बीच का बिंदु। दोस्तों, हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म के लोगों का ऐसा मानना है कि कैलाश पर्वत स्वर्ग के अंदर जाने का एक दरवाजा हो सकता है और ये पृथ्वी और स्वर्ग के बीच का एक बिंदु है। वेदों के अनुसार भी ये बताया गया है कि ये पर्वत स्वर्ग में जाने का एकमात्र रास्ता है। तो दोस्तों, ये है कैलाश पर्वत से जुड़ी कुछ रहस्यमयी बातें जिनका रहस्य विज्ञान भी नहीं सुलझा पाया। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसी ही वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद।